मैं आज आप सबके इस आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का मैं दिन रात काम करूंगा। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आज हरियाणा के पूरे संत समाज का मुझे आशीर्वाद हरियाणा के लिए मिल रहा है। ये परम सौभाग्यशाली हूं और मुझे ये खुशी है, आप सबका आशीर्वाद आज इस नई सरकार को जो तीसरे टर्म के अंदर आई है उसके अंदर आपके आशीर्वाद की बड़ी भूमिका है, मैं ये मानता हूं। और जो ये आशीर्वाद आज मुझे मिला है, हरियाणा के लोगों को मिला है, मैं आज आप सबके इस आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का मैं दिन रात काम करूंगा। पिछले दिनों कुछ निर्णय भी लिए गए जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को डायरेक्ट मिला है। एक चर्चा मैं करना चाहता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था, परंतु एक संकल्प लेकर के उसमें आप सब की आशीर्वाद की वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम ऐसा निकल करके आया कि सरकार ने जब सत्याग्रहण था उससे पहले हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवारों के 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के उनको सरकार की नौकरी के अंदर लगाया गया। हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज इस बात का गया कि ये सरकार ये राजनीति के लिए काम नहीं करती है, ये सरकार इस प्रदेश के हित के लिए काम करती है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया था, नहीं तो, क्योंकि वोट आ गया था, 25,000 बच्चों का रिजल्ट, हमने कहा कि पहले निकलेगा तो वो पहले ही निकला और इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं व्यवस्था के लिए काम करती है और उसको हमने ये सिद्ध करके दिखाया है। और इन व्यवस्थाओं का जिक्र भी हुआ, आदरणीय धर्मदेव जी ने किया है, माननीय दिनेश जी ने किया है, परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है। ये आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए गजब की व्यवस्थाएं खड़ी की, मुझे तो ये विरासत में मिली है और इनको जो विरासत के मिली है, मैं आप सबके आशीर्वाद से आज जो आशीर्वाद मिला है वो ताकत मुझे आज आपने दी है, मैं इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज आप सब क्योंकि जो सप्तग्रहण था उस सप्तग्रहण कार्यक्रम के अंदर
आप सब ने रहना था, परंतु जो व्यवस्था थी कि हमारे जो संतगण हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और अलग से यहीं पर आकर के आप लोगों का आशीर्वाद मिले। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि आज हरियाणा के पूरे संत समाज का मुझे आशीर्वाद हरियाणा के लिए मिल रहा है, ये परम सौभाग्यशाली हूँ।